A warm welcome to residential DAPS online classes. Our YouTube link is DAPS School Poonia. Myself Kiran here to teach SST for class one. And our fifth lesson is food we eat. Food means क्या होता है भोजन। भोजन जो हम खाते हैं, जो हम भोजन लेते हैं, उसे कहते हैं food. तो भोजन जो हम खाते हैं, वो उस लेसन को हम पढ़ेंगे। ठीक है वी थिंक विच वी ईट आर कॉल फूड द थिंग्स जो चीज़ हम लोग खाते हैं जो खा के हम जीवित रहते हैं उसे फूड कहते हैं वी ईट फूड वेन वी आर हंगड़ी हम भोजन खाते हैं जब हमें भूख लगती है जब हम भूखे रहते हैं सिमिलरली वी ड्रिंक वाटर वैन वी आर थ्रष्टी हम पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है जैसे कि हम पानी पीते हैं हमें प्यास लगती है वैसे ही हम भोजन लेते हैं जब हमें भूख लगती है जब हम भूखे रहते हैं तब हम भूख खाना खाते हैं भोजन लेते हैं अगर हमें भूख नहीं होगी तो हम क्या करेंगे खाना पर खाना खाते पेट भरा हुआ पर खाना खा रहे तो उससे क्या होगा हमें परेशानी होगी हम जब भूखे रहेंगे तभी हम लोग खाना को खाते हैं अदरवाइज हम खाना अननेसेसरी खाना नहीं खाते सम बच्चे स्नैक्स खाते हैं वो अपना चॉइस से कभी कभी जब उन लोग को छोटे छोटे भूख लगते हैं कभी कभी कुछ खाने का चाहते तब खाते हैं अदरवाइज जो है भूख लगने पर ही खाना खाते हैं ठीक है फूड इज वेरी नेसेसरी फॉर आर्ट वी ईट फूड टू ग्रो भोजन खाना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें बढ़ना है जीना है उसी के लिए हम लोग खाते हैं अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे भोजन नहीं लेंगे तो ना हम लोग जिंदा रह पाएंगे जीवित रह पाएंगे ना हम लोग बढ़ेंगे बढ़ना भी कैसे होता है जो जब से हम लोग खाएंगे, तब हम लोग को हम लोग के बॉडी को सारा प्रोटीन सारा विटामिन मिलता है और सब कुछ मिलता है तब हम उससे बढ़ते हैं अदरवाइज क्या भूखे प्यासे रह सकेंगे भूखे प्यासे बढ़ सके नहीं भूखे पैसे तो आदमी मर जाएगा वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले हम खाना खाते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलता है ऊर्जा मिलता है किस लिए खेलने के लिए और पढ़ने के लिए एनर्जी एनर्जी में ऊर्जा वी ईट फूड टू बिकम स्ट्रांग एंड हेल्दी हम खाना खाते हैं क्योंकि हमको मजबूत रहन और तंदुरुस्त बनना रहता है हम अच्छा खाना खाते हैं हेल्दी फूड खाते हैं तभी ना हम तंदुरुस्त रहेंगे अगर हम जैसा तैसा तो गंदा भोजन साफ़ सुथरा भोजन नहीं लेंगे कुछ भी खा लेंगे तो हम लोग उससे बीमार भी पड़ सकते हैं वी ईट कुक फूड हमें पका हुआ खाना ही खाना चाहिए वट डू वी ईट वी ईट डिफरेंट थिंग्स हम क्या खाते हैं हम बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं कुछ पका हुआ कुछ कच्चा जैसे हम लोग जो सलाद खाते हैं वो हम लोग कच्चा खाते हैं पर चावल दाल और रोटी ये सब हम लोग पका हुआ खाते हैं वी ईट राइस दाल एंड रोटी वी ईट फिश एंड एग्स और मच्छी चावल मच्छी अंडा मीट वगैरह ये सब क्या खाते हैं ये सब को भी हम लोग पका हुआ ही खाते हैं ये सब हम लोग कच्चा नहीं खाते हैं वी ईट वेजिटेबल्स वी ईट फ्रूट्स हम फल खाते हैं हम सब्जियाँ खाते हैं वी ईट ब्रेड बटर एंड स्वीट्स हम ब्रेड बटर और मिठाइयाँ भी खाते हैं स्वाद में अच्छा लगता है इसीलिए हम लोग ब्रेड बटर और मिठाइयाँ खाते हैं मिठाइयाँ खा सभी बच्चों को पसंद है इसीलिए वी ड्रिंक वाटर मिल्क एंड जूसेस और हम लोग पानी पी तो पीते ही हैं पानी तो हम लोग के लिए बहुत नेसेसरी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके अलावा हम लोग दूध भी पीते हैं दूध हमारे शरीर को प्रोटीन देता है प्रोटीन मिलता है तो सभी बच्चे पीते हैं सभी बड़े पीते हैं सभी दूध पीते हैं और जूस भी पीते हैं फलों का रस जूस जो होता है जो हम लोग के लिए हेल्दी होता है जब हम लोग के पास हम लोग अगर फ्रूट्स को नहीं खा रहे हैं तो फ्रूट्स का जूस ले लेते हैं तो उसमें जो विटामिन होता है वो हम लोग को जूस के थ्रू मिल जाता है और वो इजिली हम लोग ले लेते हैं ठीक है और जो घर के बड़े होते हैं जो बड़े दीदी भैया मम्मी पापा या कोई भी जो बड़े लोग होते हैं बच्चे तो नहीं पीते हैं, पर बड़े लोग जो होता है चाय कॉफ़ी ये सब बच्चे बड़े लोग पीते हैं बड़े लोग को लेने का आदत होता है उसके बाद है फूड आइटम्स वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग हम सुबह जो खाते हैं उसको क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट वी टेक लंच इन द डे हम जो दोपहर में खाते हैं दोपहर के खाना को लंच बोलते हैं वी टेक डिनर एट नाइट और जो रात में खाते हैं उसे डिनर कहते हैं यानी रात का भोजन वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स एंड फेस बिफोर टेकिंग फूड हमें अपने हाथों को और अपने मुंह को अच्छी तरह से धोना चाहिए हाथ को तो अच्छे से लगा करके सोप से हैंड वॉश से सैनिटाइज धो लेना चाहिए और मुंह में पानी डाल लेकर कर लेना चाहिए अच्छी तरह से वी मस्ट ईट क्लीन एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फूड फ्रूट्स हमें हमेशा सा साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए हमेशा साफ़ सुथरा सब्जियाँ सब्जियों को जब भी पकाते समय अच्छे से धो के साफ़ करके पकाना पका के खाना चाहिए और फलों को भी खाते समय अच्छी तरह से धोकर तब फल को खाना चाहिए फल ऐसा नहीं कि फल मार्केट चलाए और फल का, का, काट के खा गए ऐसा नहीं फल को अच्छी तरह से काट धोकर पूरा रगर रगर के फल को धोकर साफ करके तब काट कर, कर खाना चाहिए वी मस्ट राइम योर our माउथ एंड वॉश our हैंड्स आफ्टर taking फूड हमें अपने मुंह को अच्छी तरह से खुला करना चाहिए मुंह में पानी लेके को, को, कर कोप करते हैं ना खुला करना चाहिए उसके बाद अच्छे से हाथ रगड़ के धोना चाहिए खाने के बाद भी ताकि मुंह में जो है ना वो कुछ उसका जो फूड हम लोग लेते हैं वो कुछ कभी दांत में इधर उधर फंस जाता है तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है टीथ में भी प्रॉब्लम हो सकता है तो वो नहीं होना चाहिए इसीलिए खाने के बाद अच्छे से कुल्ला कर लेना चाहिए मुंह और हाथ को अच्छे से धो लेना चाहिए वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड एंड वाटर हमें न पानी बर्बाद करना चाहिए न खाना बर्बाद करना चाहिए खाना और पानी दोनों में से किसी भी चीज़ का बर्बाद ही नहीं होना चाहिए बच्चों हमेशा यह ध्यान रखना कि इन दोनों ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इन दोनों के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते इसीलिए इन दोनों की बर्बादी पर हमेशा ध्यान रखना जितना तुम्हें ज़रूरत हो उतना ही तुम खाओ ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे लोग प्लेट्स में खाना ले लिया और खाना ले के विष्ट कर वेस्ट कर दिए कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए बर्बाद नहीं करना चाहिए तुम लोग हम लोग को खाना मिल रहा है जिनको खाना नहीं मिल रहा उनको पता चलता है कि खाना क्या होता है तो इसलिए खाना की बर्बादी कभी नहीं करना चाहिए भोजन बहुत ज़रूरी है बहुत अनमोल है खाने का तुलना कभी भी किसी चीज़ से नहीं हो सकता रोटी बहुत कीमती होता है हर बच्चे को हर नागरिक को हर आदमी को चाहिए कि खाना को सेव करे भोजन को वेस्ट ना करे। जितना ज़रूरत हो उतना ही खाए उससे अधिक या मत नहीं खाए कि हाँ बहुत ज़्यादा बच रहा है ज़्यादा खा लिए नहीं वो करने से तो और इंडाइजेशन होगा इसीलिए सफिशियंट भोजन ले पानी ले ओके तो ये हम लोग का लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों इसके बाद अगर तुम लोग को क्वेश्चन लेसन कंप्लीट होने के बाद आ जाते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग सेक्शन में वर्ड मीनिंग में है सिमिलरली सिमिलरली मीन्स होता है उसी प्रकार थ्रस्टी थ्रस्टी मीन्स प्यासा स्ट्रांग स्ट्रांग मीन्स मजबूत हेल्दी हेल्दी मीन्स तंदुरुस्त क्या है रिंस रिंस मीन्स और एनर्जी एनर्जी में ऊर्जा है ना तो ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये सभी तुम लोग अपने कॉपीज में लिख लोगे और अच्छी तरह से याद कर लोगे ताकि तुम लोग को लेसन समझने पढ़ने में आसानी हो ठीक है लेसन हम लोगों का कंप्लीट हो गया कोई भी प्रॉब्लम होगा कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे लिख के बताना कमेंट में ओके टू questions सेक्शन Why इज फूड नेसेसरी फॉर us? फूड हमें नेसेसरी जरूरी क्यों है फूड इज necessary फॉर us टू लिव एंड ग्रो हमें जीने और बढ़ने के लिए फूड की जरूरत है When डू वी नीड फूड हमें खाना कब चाहिए भोजन कब लेना चाहिए वी नीड फूड when वी आर hungry. हम जब भूखे रहते हैं तब हमें भोजन लेना चाहिए खाना लेना चाहिए वट डू एल्डरली पीपल व्हाट डू एल्डरली पीपल ड्रिंक बड़े लोग क्या पीते हैं एल्डरली पीपल ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी जो घर के बड़े होते हैं या फिर और भी जो बड़े रहते हैं वो चाय या कॉफ़ी पीते हैं वन डू वी टेक डिनर हम डिनर कब लेते हैं वी टेक डिनर एट नाइट हम डिनर जो है रात में लेते हैं वॉट शुड वी डू बिफोर टेकिंग फूड हमें खाने से पहले क्या करना चाहिए वी शुड राइंस आवर माउथ एंड वॉश आवर हैंड्स बिफोर टेकिंग फूड हमें अच्छे से कु करना चाहिए और अच्छे से हाथ को धो लेना चाहिए खाना खाने से पहले ओके okay. ठीक है ये सभी लिख लोगे अपने कॉपी में और याद कर लोगे दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर लेसन हम लोग का कंप्लीट हो गया अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे थैंक यू